सुप्रीम कोर्ट को बड़ जजमेंट अपरोक्त भावे मध्य टच कले याकू सेक्सुअल हरासमेंट बोली गणना करा जिबो तबे याकू नै कि जो मुंबई हाई कोर्ट जो ऑर्डर टी देथिले ताको वर्तमान सुप्रीम कोर्ट सीधा सळ खारिज करचोंती तबे नै अधिक आलोचना करबा आमो सहित एनसीपीसीआर चेयरमैन प्रियंक कानून गो छथि। सर ये जजमेंट को आप कितने बड़ी जजमेंट देखते हैं और पहले भी आप इसको लेकर लेटर भी किए थे और ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब आया और जैसे जिस तरह से आज दिन भर आर्गुमेंट हुआ उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो मुंबई हाई कोर्ट का फैसला था जो ये बोलता था कि त्वचा से त्वचा स्पर्श अगर नहीं हुई है तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, ये निश्चित रूप से देश भर के बाल अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर एक कुठाराघात था। बच्चों के साथ होने वाले क्राइम को, बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को डायल्यूट करके देखने जैसा था और पोक्सो की मूल भावना के विपरीत प्रतीत होता था। आयोग ने ये महसूस किया था कि उस समय महाराष्ट्र सरकार मुंबई हाई कोर्ट को सारे तथ्य और बच्चे का पक्ष ठीक तरीके से रखने में विफल हुई थी। हमने इसलिए महाराष्ट्र सरकार को तभी कहा था कि आपको इस मामले में अपील दायर करनी चाहिए और ये पूरे पक्ष जो बच्चे के हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे है, बच्चे का मुकदमा लड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार का था जिसमें वो फेल हो गई थी। हमने कहा था कि आपको इसकी अपील दायर करनी चाहिए। आज हम सभी को बड़ा ही हर्ष है इस बात को लेकर के कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को समझा और पॉक्सो की जो मूल भावना है, जहां अलग अलग तरीके से क्राइम को डिफाइन किया गया है, जहां सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इन सभी की अलग अलग परिभाषा दी गई और अलग अलग उनके पेनल पनिशमेंट्स की बात कही गई है, वहाँ पर ये बड़ी संतोष की बात है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पॉक्सो को रिडिफाइन कर दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि बच्चों के साथ अब्यूज़ करने वाले, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरह से सॉलिटर जनरल में बात रखी कि कोर्ट को भी देखना चाहिए कि मैटर क्या है और इसमें जो, क्योंकि क्लियरली मेंशन है ऑलरेडी, पहले से भी क्लियरली मेंशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया पॉक्सो एक्ट में, वो क्लियरली मेंशन है पहले से ही। हम देश के सभी बच्चों की तरफ से, 50 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की आबादी है देश में, उन सभी की तरफ से माननीय अटॉर्नी जनरल महोदय के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बेहद शुक्रगुजार हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बच्चों की मूल भावनाओं को समझा और दुनिया का सबसे सख्त कानून जो पॉक्सो एक्ट है उसको डायल्यूट होने से बचाया है। इसलिए आज देश के सभी बच्चों की जीत का दिन है। थैंक यू सर। आपण शुणुले प्रियंक कानून को जे कि कहले पिलांकर विजय दिवस बोली से सीधा सल क्या उल्लेख कले, तबे निश्चित भाव टच जे भी करू कहीं हीन मानसिक नहीं कि जदि भी कहीं किसी टच कर पिला शरीर देह निश्चित भाव ताकू सेक्सुअल हरासमेंट बोली गणना करेस फाइल करोटे बड़ विजय बोली सीधा सल एनसीपीसीआर चेयरमैन रही प्रियंक कानून को प्रतिक्रिय नदी कैमेरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज़।